80s और 90s में हम कुछ फिल्में देखते थे, यश चोपड़ा की फिल्में होती थी अगर आपको ध्यान हो, तो बहुत सुंदर लोकेशन होती थी, बैकग्राउंड में हम देखते थे फूल निकले हुए, स्विट्जरलैंड होता था, बट हम स्विट्जरलैंड में नहीं हैं, हम फिलहाल दिल्ली के अलीपुर में हैं। और मेरे साथ जो है एक किसान भाई है जो यहाँ पे खेती करते हैं, और इनसे हम जानेंगे कि किस चीज़ की खेती करते हैं, किस तरह के फूल हैं। निशित मल्होत्रा मेरा नाम है, किसान ऑफ इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार। सबसे पहले नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और सर, बहुत खूबसूरत लोकेशन है, आपके नाम से शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका थोड़ा बताइए पहले। नाम रामनिवास सहरावत। रामनिवास जी, मुझे बताइए सर, ये अलीपुर का एक गांव है खूबसूरत सा, जहाँ बड़े अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, तो ये क्या गांव है और ये फूलों का कॉन्सेप्ट आपने कैसे शुरू किया, थोड़ा ये जानना चाहेंगे। ये गांव रमजानपुर है, अलीपुर क्षेत्र में पड़ता, दिल्ली 36 में जी। ये हमारे जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने शुरू किया था। गेंदा करके फूल होता था उसका, जी जी, बिल्कुल। उसकी हाईब्रिड वैरायटी है जाफरी। अच्छा, जाफरी। हाँ, ये जो सर्दियों में चलती है, वो गर्मियों के समय चला था। अच्छा, ये सर्दियों का है, जिसमें जैसे सर्दी टाइम में सीजन, पहले गर्मियों में शादियाँ वादियाँ होती थी, बिल्कुल, पहले वैसे लगते थे फूल वगैरह, हाँ, गर्मी ज़्यादा लगते थे, तो इसके हाइब्रिड वैरायटी बनी है। हमने 1988 से कर रहे हैं इसको खेती, 88 में लगाना चालू किया था ये हमने, और अब तक करते हैं 88 से अब तक जो है। हाँ, तकरीबन आप 32-33 साल के आसपास जो है हो चुके हैं। हाँ, मैं उस टाइम 1988 में मैं 10वीं क्लास में था। अच्छा, जब से चल रही, ओके, जब से चल रहा है ये काम। तो ये जो फ्लावर्स है, हम देखते हैं शादियों में भी इसकी ज़रूरत होती है। हाँ, पंडित जी अगर बोलते हैं कि सर फूल लेकर आइए, तो सबसे पहले यही फूल जो है आते हैं, या फिर कोई सेलिब्रेशन है, मासिव सेलिब्रेशन, वहाँ पर भी ये फूल यूज़ होते हैं। अभी इस वक्त पे सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ आ रही है इन फूलों की? फिलहाल इसमें शादियों में तो जरूरत पड़ती ही है जी, और मंदिर वगैरह त्योहारों पर भी इसमें डेकोरेट करते हैं उसको, मंदिर वगैरह को, इसको इलेक्शन वगैरह होते हैं अब जैसे इलेक्शन सीजन है, हाँ जी, तो इसमें इलेक्शन में भी जरूरत पड़ती नहीं है, बिल्कुल, इलेक्शन में स्टेज वगैरह से सजाने के लिए जी जी, और सेंट भी बनता है इससे। अच्छा, सेंट भी बनता है। हाँ, इसमें क्या नाम है, ठंड के मौसम में इसमें ज़्यादा सेंट निकलता है। अच्छा, इसकी खुशबू ज़्यादा पैदा होती है इसमें। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा हम बात करना चाहेंगे कि ये जो फूल है, इसकी खेती आप कब शुरू करते हो, क्या एक बेस्ट सीज़न होता है, और कब ये फूल अच्छे निकल कर आते हैं, थोड़ा ये जानना चाहेंगे आपसे। इसमें एक अगेती वैरायटी वो है, ये अगेती वैरायटी से ये है, ये जो बूर है तोड़ाई हो रही है, हाँ जी, ये इसकी पौध डालनी पड़ा उसमें, क्या नाम है, जुलाई के महीने में, फर्स्ट जुलाई में इसकी पौध डाली, और उसकी पौध एक महीने में तैयार होगी, और तैयार होने के बाद पौध लगती है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया, ठीक है। हाँ, उसका ये डोली निकाल दी जाए, उस पर पौध लग गई, पौध लगने के बाद ये लगभग तीन महीने लेता है, 90 दिन तैयार होने में। हाँ जी, इसमें फूल आता है 90 दिन के बाद, ये लगभग नवंबर में 20-25 नवंबर को चालू हो जाता है, ओके, और ये फिर फरवरी तक चलता है। फरवरी तक? हाँ, फरवरी में इसका ये ख़त्म हो जाता है, फिर इस बीच वाली वैरायटी लगती है जो जिसकी पौध डलती है अगस्त के महीने में, अगस्त में वो प्योर डाल के उसको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उसको लगा दिया जाए, सितंबर में भी लग जाता है, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये लग जाना चाहिए। तो यानी कि हर साल जो है ऐसे ही साइकिल पूरी रोटेट होती है, और इसी तरह से फूल आते हैं और मार्केट में चले जाते हैं। हाँ, चले जाते हैं सर। एक बड़ा अच्छा सा नज़ारा मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएँ भी काम कर रही हैं जो है, तो इसके पीछे क्या राज है कि जो जेंट्स हैं वो नहीं दिख रहे हैं, और महिलाएं जो हैं यहाँ पे फूल जो है वो चुनने का काम कर रही हैं? महिलाओं का ऐसा है, ये कहीं और बाहर तो जाकर नौकरी वगैरह करती नहीं,
तो घर पर रहती हैं, जो जैसे खाली टाइम हो गया तो खाली टाइम में ये अच्छी तुड़ाई भी अच्छी कर लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फूल ही तो तोड़ना है कि ज़्यादा मेहनत का भी काम नहीं है जी। बिल्कुल, अच्छा, तुड़ाई भी ठीक कर लेती हैं। हाँ। इसलिए जेंट्स इस काम को नहीं करते जितना अच्छा महिला कर लेती हैं। सॉफ्ट चीज़ है तो उसको नज़ाकत से जो है निकाला और ऐसे ही मानो कुछ। हाँ, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये जितना फील्ड हम देख रहे हैं कितना एकड़ में फैला हुआ है और ये जो बड़ा खूबसूरत सा बाग है, कैसे आप इसको मेंटेन रखते हैं पूरे साल? ये हमारा जो है, हमारे है ये 18 एकड़ है लगभग यहाँ पे। ये 18 एकड़ में इसको रोटेशन वाइज बोला, एक साल इस खेत में बो दिया जी, ये उसमें मतलब 50-50 मानो के 9 एकड़ में कुछ अदर फसल बो दी, गेहूँ वगैरह लगा दिए, 9 एकड़ में फूल वगैरह काम कर दिया। तो ये एक एक दो दो साल के बाद इसका फसल चक्कर चेंज करना पड़ता है। अच्छा, तो जब सही रहता है इसमें एक ही वैरायटी, एक ही तरह की फसल बोए जा तो इस पर फूल पर असर पड़ जाता हो। तो आप जो है इस काम को इतने साल से करते आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं इस काम को आप? हाँ, भरपूर इंजॉय है इसका काम, जब भी पसंद काम है, जब इसे इतने छोटी सी उम्र में लग गया था। बहुत बढ़िया सर, और अब तक कर रहे हैं, 51-52 साल की उम्र होगी अब तो। बच्चे बड़े बड़े हो गए इसमें, इसी को के साथ बड़े हुए हैं, इसी के साथ बुढ़ापे की तरफ चल दिए। राइट सर, तो जैसे आपने बताया कि दिल्ली में सप्लाई जाती है, आपकी शादियां हो गई या फिर कोई पूजा सामग्री में सामान में ये फूल काम आते हैं या फिर कोई सेरेमनी हो गई, तो दिल्ली से बाहर भी ये फूल जाते होंगे आपके? हाँ, ये मंडी है इसकी फिलहाल, पहले तो यहाँ फतेहपुरी था, ये जो फतेहपुरी मेन चौक था यहाँ थी, छोटी छोटी मंडियाँ थी छोटी, वो वहाँ पर भीड़ वगैरह की होने की वजह से फिर सरकार ने ये सन 2000 में एक्शन लिया, वहाँ से हटाने लगे, जब ज़्यादा मात्रा में जाने लग गया तो वहाँ उस पर कैपेसिटी नहीं थी इतनी मंडी की, वहाँ पर इतना फूल डिमांड ज़्यादा हो रही थी। तो फिर उसके बाद शीला दीक्षित सरकार थी, उन्होंने क्या नाम है एक मंडी वहाँ एक वार करेगा गाजीपुर बॉर्डर पर, वहाँ पर स्पेशल फूल मंडी बनाई गई है इसके फूल के लिए। वहाँ उन आड़तियों के पास है, जो वहाँ किसान हुए वहाँ पर जो फूल बेचते हैं उनके पास ऑर्डर आ जाता है जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भेजना ऑर्डर या किसी और ने भेजना हो, या फूल वाले ने या फार्म वाले ने किसी ने भेजना हो तो उसके पास भेज देते हैं। अच्छा, ऑर्डर तो वहाँ से जितना ऑर्डर होगा फिर वहाँ से वो सप्लाई हो जाता है, देश के विदेशों में भी जाता है, यहाँ से विदेशों में भी जाता है। तो कितने दिन सर्वाइव कर जाता है, जैसे हमने इसको तोड़ा तो मतलब एक कहते हैं ना कि इसकी लाइफ कितनी होती है फूल की? इसकी लाइफ घंटों में होती है, लगभग 36 आवर्स इसकी। उसको पानी में अगर थोड़ा सा पानी लगे, ठंड का मौसम हो तो कुछ और फालतू भी ज़्यादा चल जाते हैं, गर्मी में तो 24 घंटा ही होता है, बाकी ठंड में ज़्यादा चल जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इसके जैसे हम देख रहे हैं इसमें पीला भी है, थोड़ा सा लाल भी है, तो आपने कुछ इसको नाम दिया हुआ है या फिर कुछ बोलते हैं लोग इसको? गेंदा तो हम समझते हैं सब, इसको क्या नाम से आप बुलाते हैं या कुछ ऐसा स्पेशल नाम दिया गया है इन फूलों को? ये जैसे पीले पीले ऑरेंज कलर में इसको हम संतरी फ्लावर बोलते हैं, वो जो हल्के कलर में उसको बसंती। हाँ जी। और ये जो इसमें गुलाब टाइप का है, इसमें रेडिश कलर का है, उसको क्या नाम है ब्लैक फ्लावर। तो यहाँ आपने कभी नहीं सोचा कि यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग हो और कोई एक हीरोइन और हीरो का एक गाना कोई शूट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं सोचा आपने? लोकेशन तो बहुत अच्छी है आपकी। नहीं, अब पहले तो कोई था नहीं यहाँ पे, अब एक आधी बार इसमें यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे नए नए शादी वगैरह किसी ने करनी है उसके, हाँ हाँ वो आके यहाँ पे शूट करके ले जाते हैं इस रोड पे, कई बार किया उन्होंने, लगभग 5-6 साल से देख रहा हूँ मैं उनको। किसान ऑफ इंडिया चैनल पर आप हैं और कुछ कहना चाहेंगे एक नए किसान को, अगर कुछ ऐसी बागवानी करनी हो तो वो किस तरह से शुरू कर सकता है, एक मैसेज हम आपसे जाते जाते ले लेते हैं कि सनफ्लावर या जो हम इसको बोलते हैं गेंदे का फूल, तो इसको जाते जाते आप थोड़ा एक मैसेज दे दीजिए कि कैसे शुरुआत करें। आसान ये बिल्कुल आसान है, अब इसका बीज चुनो,
अच्छी तरह यहाँ क्या नाम है इसमें ये जो दिल्ली में यहाँ पर किसी भी बीज की दुकान पर जाओ इसका बीज मिल सकता है, या फिर यहाँ पर किसी एरिया में आकर यहाँ पर किसी के पास बीज बनवा लो बीज मिल जाता है इसका। और अपने टाइम से इसको जैसे टाइम है इसका जुलाई में पौध बोनेगा उस टाइम पर इसकी पौध बो दी अच्छी तरह पौध बो के उसको लगाओ। इनकम भी है, इनकम भी है, इनकम इसमें क्या नाम है ये 10,000 रुपये टन के टन से लगा के और ये क्या नाम है 1,00,000 रुपये टन तक भी बिक जाता है। क्या बात है। तो सर ये हमारे साथ जो है सर ने बताया कि किस तरह से जो है इस बागवानी को मेंटेन किया गया है, किस तरह से नए किसान जो है सनफ्लावर या गेंदे के फूल को जो हम बोलते हैं खेती कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से किसान ऑफ इंडिया के जितने भी लोग सब्सक्राइबर्स जो हैं जो देख रहे हैं इस चैनल को राम निवास जी की बात से जो है फारिक रखते होंगे या समझते होंगे कि इस खेती को करने के फ़ायदे हैं और इस फायदे को जो है जल्दी से जल्दी लाभ में बदला जाए। तो थैंक यू सो मच सर आपने हमसे बात की और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब हम आपके इस एरिया में आए तो हमें यहाँ पे और बहुत सारे जो है फूल दिखे और ये जगह जो है और डेवलप हो चुकी हो और बहुत सारे लोग आपके पास आके ट्रेनिंग ले आपसे कि सर हमें भी सिखाइए कि ये नए जो गुड़ हैं हम आगे कैसे इसको लेकर चलें। थैंक यू सो मच सर किसान ऑफ इंडिया में हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।